तीन प्लेट में आने के बाद भी देखिए गाइस इतना बाहर निकल ही गया ये। तो हेलो गाइस, मैं हूं अरबाज हुसैन और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फूडी अरबाज पर। आज हम आए थे जनकपुरी नियरेस्ट दिल्ली हाट। जिस शॉप पर हम आए हैं उस शॉप पे एक डोसा मिलता है जिसका साइज बहुत ज्यादा ही लार्ज होने वाला है और उसको दिल्ली का बिगेस्ट डोसा भी कहा जाता है। आपको हम वो डोसा दिखाएंगे और इस मेजरिंग टेप से उसको मेजर करके भी दिखाएंगे और आपको मेकिंग भी दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में एंड तक। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए चलते हैं भैया के पास, दिखाते हैं आपको डोसा। तो गाइस ये हमारी शॉप है जहाँ पर हमें दिल्ली का बिगेस्ट डोसा मिलने वाला है, तो आपको इसकी मेकिंग दिखाएंगे। चलते हैं भैया के पास। ये गाइस हमारे डोसे की मेकिंग शुरू हो चुकी है, देखते रहिए। अभी तो आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, ये धीरे धीरे कितना बड़ा होने वाला है डोसा। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. ये देखिए गाइस, ये एक और आ चुका है। डोसे को जोड़ना कर दिया शुरू। ये हमारा ऑयल आ चुका है इसपे। ये हमारा पेस्ट है। अगर आपको भी ये डोसा टेस्ट करना है तो आप आ सकते हैं क्रेजी डोसा जंक्शन, अपना ये जनकपुरी में नियरेस्ट दिल्ली हाट पड़ेगा। मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आ सकते हैं, आराम से टेस्ट कर सकते हैं। ये देखो गाइस, दो लोग लग रहे हैं इसे फोल्ड करने के लिए ताकि हमारा ये डोसा जो है टूटे ना। बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है इसे ताकि ये टूटे ना। ओ भाई ये आ गया हमारा डोसा। तीन प्लेट में आने के बाद भी देखिए गाइस इतना बाहर निकल ही गया ये। तो गाइस ये हमारी आगे मेजरिंग टेप, इसे करते हैं मेजर और आपको बताते हैं कितना है इसका साइज। तो चलिए करते हैं मेजर। तो गाइस ये हमारा 35 इंच का डोसा होने वाला है। खाया कभी इतना बड़ा डोसा तो मुझे कमेंट करना। तो गाइस बारी आ गई हमारे डोसे को टेस्ट करने की, तो हम टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है इसका टेस्ट। तो तोड़ते हैं, एक बाइट लेते हैं, फिलिंग भी दिखा दूं गाइस आपको। ये देखिए गाइस पूरा फिल कर रखा भैया ने अच्छे से, और बाइट बनाते हैं। ये हमारा सांभर है और ये कोकोनट की चटनी है। और ये किस चीज की चटनी है? प्याज टमाटर का। प्याज टमाटर का, ये प्याज टमाटर की चटनी हमारी। तो पहले कोकोनट की चटनी के साथ ट्राई करते हैं। कौन सा चटनी बना रहे हैं? वो
नॉर्मली बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका। तो एक बार दूसरी वाली चटनी के साथ भी टेस्ट करते हैं। सांभर में वेजिटेबल्स भी बहुत बढ़िया क्वांटिटी में है। अब इसके सामने देखो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। जो कि तो आपको एक बार सांभर भी दिखा देते हैं। सांभर देखिए गाइस कितना ठीक है, वेजिटेबल भी अच्छी खासी है। एक पूजा करना, तो अगर आपको भी अगर टेस्ट करना है तो आप आ सकते हैं। एड्रेस आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज हमारा काम है इस डोसे को फिनिश करना, आपका काम है चैनल सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए टाटा बाय बाय।